वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल एमएचटी सिटी के लिए 3 कोर्सेज लॉन्च कर रहा है, कोर्स ए, कोर्स बी, कोर्स सी। ये सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिलेगा, क्रैक एंट्रेंस एग्जाम, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सपोज ए जो है आपका कंप्लीटली स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोर्स है, जिसमें हम आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ओके, फ्रॉम 2004 से 2022 तक के, ओके, पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस इसमें 24 लेंथ मॉक टेस्ट की एक बुक की पीडीएफ भी रहेगी, उसमें भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसका कॉस्ट 300 है। ओके, ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर है, इसलिए हम आपको 300 में पे कर रहे हैं। आपको कोई और चैनल्स के ऐप मिलेंगे, बट उसमें ये सारे पीडीएफ नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भी तो आपको अप टू 2019 तक के मिलेंगे क्वेश्चंस, 2022 तक के नहीं मिलेंगे। ओके, सेकंड कोर्स है हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट के रिलेटेड, जिसमें आपको 100 प्लस चैप्टर वाइज ग्रुप वाइज ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, अलॉन्ग विथ 10 फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट। प्लस आप मॉक टेस्ट का सोल्यूशन भी देख सकते हैं, प्लस आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट, रैंकिंग, ये सब भी आपको देखने मिलेगा। इसका कॉस्ट है 350 रुपीज, जो ऐप में डाउनलोड करने के बाद आप एक कोर्स को बाय कर सकते हैं। सिमिलरली कोर्स सी, जो कि जंबो कोर्स है, और ये मैं रिकमेंड करूंगा सबको यही कोर्स बाय करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कोर्स बी और कोर्स ए कंप्लीटली फ्री हम दे रहे हैं, अलॉन्ग विद लाइव क्लासेस, ओके, जिसमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स, आपको सिनॉप्सिस हर चैप्टर का डिस्कस किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, पीसीएम एंड पीसीबी दोनों ग्रुप के लिए। ओके, ओके, इसका प्लस आपको मेंटरशिप फॉर स्टडी प्लान, बहुत बच्चों का डाउट रहता है कैसे पढ़ाई करें, कौन से चैप्टर्स पहले करें, ओके, एंड एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसने एडमिशन जाना चाहिए आपके रीजन के हिसाब से, पुणे में हो तो कौन सा कॉलेज अच्छा है, मुंबई में हो तो कौन सा कॉलेज है, कैसे स्कोर करें 95%, ओके, ये सब डिस्कस हमारे लाइव क्लासेस वगैरह में होंगे, जिसका कॉस्ट है 999। एक्चुअल कॉस्ट तो बहुत ही ज्यादा है, बट हमारा फर्स्ट टाइम ऐप लॉन्च हुआ है, इसलिए हम आपको मतलब फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर हमने रखे हुए, ओके, और इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिला। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सो आपका एक जो क्यूब हो, एक ऐसा मतलब बॉक्स है और एक रूम है जिसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ओके, सो जो जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद जब दूसरा कोलिजन होने के पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको बाय द डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। ये डेफिनेशन ही है। एवरेज बोला है, एवरेज और मीन सेम होता है, ओके, इसलिए यहाँ पे मीन वाला आएगा आंसर, मीन फ्री पाथ, हेंस करेक्ट आंसर इज सी। ओके, थैंक यू फॉर। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड बाय बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। सो आपने बाय स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन पढ़ा रहेगा, ओके, स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन, उसमें क्या रहेगा, जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर एरिया पर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो भी आपका लॉस है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके, सो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या बोला, रेडिएटेड पर सेकेंड, मतलब क्यू बाई टी, ये आपको पता रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो सिग्मा आ जाता है, ये ए वहां, इस ए को हम वहां ट्रांसफर करेंगे तो सिग्मा ए टी फोर माइनस, ओके, ये टी नॉट क्या है आपका टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टी क्या है टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। सो फॉर्मूले से देख सकते हैं, एरिया भी है, टेम्परेचर डिफरेंस भी है, और आपका नेचर ऑफ सरफेस भी रहता है, बट इस फॉर्मूले में कहीं भी आपको मास का टर्म दिख रहा है क्या, नहीं, हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सी। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज डाउनलोड एमएसटी सिटी एंड एचएससी पीवाईक्यूज फ्रॉम लिंक इन डिस्क्रिप्शन, थैंक यू। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, एसआई यूनिट ऑफ इमिसिव पावर। सो इमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू क्यू बाय ए टी, वेयर क्यू क्या होता है, हीट होता है, हीट इज एनर्जी, उसका यूनिट क्या होगा जूल, एरिया है, ओके, इसका यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, टाइम इसका यूनिट क्या होता है सेकेंड। सो आपने पढ़ा रहेगा जो क्यू बाय टी होता है, एनर्जी अपॉन टाइम और हीट अपॉन टाइम, ये हमारा क्या होता है पावर, मीन्स ये जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं पावर, ओके, जिसका यूनिट क्या होता है वॉट, ओके, सो ये जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं वॉट, और आपका मीटर स्क्वायर, हेंस इसका यूनिट क्या हो गया वॉट मीटर, ओके, मीटर इनवर्स स्क्वायर, ओके, और वॉट पर मीटर स्क्वायर, हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए। ओके, आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। ओके, एंड प्लीज इफ यू आपको यदि एमएसटी सिटी का एग्जाम देना है 2023 में, सो सब्सक्राइब अवर कोर्स ए एंड कोर्स बी, कोर्स सी, कोर्स ए आपका स्टडी मटेरियल रिलेटेड कोर्स है, कोर्स भी आपका मॉक टेस्ट रिलेटेड है, और ये हमारा लाइव क्लासेस रिलेटेड कोर्स है, जिसमें आपको कोर्स एंड कोर्स भी फ्री मिलेगा। ओके, प्लीज सब्सक्राइब फॉर दिस कोर्स, आपको लिंक कमेंट में दिया गया है, थैंक यू। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। सो आपको तीन वेलोसिटी दी गई है गैसेस की, और 4 मीटर पर सेकंड, आपका थर्ड क्या है 6 मीटर पर सेकंड। RMS velocity का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आप क्या करोगे V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, ये आपका, और तीन मॉलिक्यूल्स है इसलिए आपने 3 से डिवाइड किया,
इनका स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 6 का स्क्वायर इज 36, 36 4 40 हो गया, 40 एंड 16 कितना हो गया आपका 56/3। ओके सो आपका अप्रोक्स कितना आएगा यहाँ पे 126, कितना जाएगा 8, रूट ऑफ 18, रूट ऑफ 18 के आसपास कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर पॉसिबल जैसे 16 है, 18 से कम होता है 16, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, 18 से बड़ा क्या होता है 25, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। सो आपका जो आंसर है 4 एंड 5 के बीच में होगा, हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा डी। ओके थैंक यू फॉर दिस वीडियो, एंड आप में से कोई भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है एमएसटी सीटी के लिए, ये हमारा स्टडी मटेरियल्स रिलेटेड कोर्स है, ये हमारा मॉक टेस्ट रिलेटेड कोर्स है, देन प्लीज सब्सक्राइब, और ये हमारा लाइव क्लास रिलेटेड कोर्स है जिसमें आपको कोर्स एंड कोर्स भी फ्री मिलेगा। ओके लिंक कमेंट में दिया गया है, थैंक यू। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, लाइट फ्रॉम द सन इज फाउंड टू हैव अ मैक्सिमम इंटेंसिटी नियर द वेवलेंथ ऑफ 470 नैनोमीटर, सो आपको लैम्डा मैक्स दिया है 470 नैनोमीटर, नैनोमीटर मीन्स 10^-9 मीटर। एज्यूमिंग द सर्फेस ऑफ सन एज अ ब्लैक बॉडी, द टेम्परेचर ऑफ द सन पूछा हुआ है। ओके और आपको वेंस कांस्टेंट बी दिया है, तो वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से आपको फॉर्मूला भी पता रहेगा, लैम्डा मैक्स इक्वल टू क्या होता है बी बाय टी, आपको टेम्परेचर निकालना है, सो बी बाय आप क्या करोगे लैम्डा मैक्स। ओके सो यहाँ पे वी का वैल्यू क्या 2.898 × 10^-3, आपका ये क्या है 470 × 10^-9। आपको HSC में लॉग बुक रहता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना है तो देखो अभी ये 2.8 पॉइंट यहाँ खींच लो 28.98, ये 470 है 4.70 ले लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये माइनस, ये ऊपर का जो है माइनस 4 होगा, और ये हमने क्या पॉइंट इसको यहाँ पे पॉइंट डाला तो ये कितना हो जाएगा -7, जो कि ऊपर आके 10^+7। So, 4 है या 28 है, 4 को 28 से डिवाइड किया तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेट क्या आएगा 7, और यहाँ पे आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है सी। ओके ये आप लॉग बुक से सॉल्व कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहता है HSC, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, एंड आपको यदि एमएसटी सिटी का हमारा कोर्स लेना रहेगा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड, एंड कोर्स सी जिसमें हम कोर्स एंड कोर्स भी आपको फ्री में दे रहे हैं अलॉन्ग विथ लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग्स एंड मेंटरशिप प्लान, सो आप ये ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में इसकी लिंक दी गई रजिस्ट्रेशन के लिए, आप रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, द सब्सटेंस विच अलाउज हीट रेडिएशन टू पास थ्रू इच, सो जो सब्सटेंस अपने थ्रू हीट रेडिएशन को अलाउ करता है उसको हम लोग बोलते हैं डायथर्मेनस सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस अलाउ नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं अथर्मेनस सब्सटेंस। यहाँ पे बोला है कि जो अलाउ करता है, सो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन आएगा। सो जो अलाउ करता है वो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा ड्राई एयर, एंड बाकी ABC क्या है हमारे अथर्मेनस सब्सटेंस, वो अलाउ नहीं करेंगे। ओके सो एग्जांपल याद कर लो, आपको CT और HSC दोनों में फायदा होगा। ओके एंड आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल कोर्स ये एमएसटी सिटी के लिए कोर्सेस लॉन्च कर रहा है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो दे कैन गो एंड टेक द कोर्स। सो कोर्स ये हमारा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है जिसमें हम लोग PYQ स्टडी मटेरियल ग्रुप प्रोवाइड करेंगे हमारे ऐप में, एंड कोर्स भी हमारा क्या है मॉक टेस्ट रिलेटेड है, कोर्स सी जिसमें कोर्स एंड कोर्स भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं, प्लस आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी विथ रिकॉर्डिंग्स एंड डाउट सेशंस वगैरह सब होंगे, जो कि बहुत सस्ता है, ठीक है। ये सब का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन का एक वीडियो का लिंक कमेंट में, और इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक कमेंट में दिया गया, आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस। सो क्वेश्चन में क्या दिया, द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एन ओपेक बॉडी इज 0.16। ओके कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है आर, 0.16। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन पूछा है आपको, ई पूछा है। सो आपने पढ़ा रहेगा हीट रेडिएशंस के लिए A+R+T=1, ए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आर क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, टी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ओके ओपेक बॉडी के लिए आपका ट्रांसमिशन क्या होता है जीरो होता है, बिकॉज वो अलाउ नहीं करता हीट रेडिएशन टू पास, इसलिए क्या हो जाएगा A+R=1। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, और आपको पूछा कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, कोई भी बॉडी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, आपने कहाँ पे पढ़ा रहेगा ये किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन में, सो E+R=1 कर दो। सो आपको E पूछा है 1-R, आपका 0.16, आपका 1-0.16 करोगे करेक्ट आंसर क्या आएगा 0.84, हेंस करेक्ट आंसर इज B। ओके थैंक यू फॉर दिस वीडियो, एंड आप
में से कोई भी यदि एमएसटीसीटी के कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारा चैनल लॉन्च कर रहा है कोर्स ए कोर्स बी कोर्स सी कोर्स है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोर्स है कोर्स बी हमारा मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोर्स है जिसमें हम ग्रुप वाइज चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देंगे एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट कोर्स सी जंबो कोर्स है जिसमें कोर्स एंड कोर्स भी आपको कम्प्लीटली फ्री है इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे चैप्टर वाइज ग्रुप वाइज ओके और प्लस मेंटरशिप भी मिलेगा आपको सो आप इसे ले सकते हैं इसका कंप्लीट वीडियो लिंक कमेंट में दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भी कमेंट में दिया है थैंक यू फॉर दिस वीडियो सो एक क्वेश्चन में क्या दिया टू कॉपर स्पेयर्स ऑफ रेड आई 6 सेंटीमीटर ओके और दूसरे का क्या है 12 सेंटीमीटर ठीक है सो दे आर सस्पेंडेड इन इवैक्यूएटेड इनक्लोजर एक बॉक्स में ऐसा इवैक्यूएटेड इनक्लोजर में रखे ईच ऑफ देम आर एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस अबव द सराउंडिंग 50 डिग्री सेल्सियस आपका अबव द सराउंडिंग है द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कितना होगा सो बाय स्टीफन्स लॉ आपने पढ़ा रहेगा कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 4 माइनस ओके टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4 ओके आपको लिख के दिया है कि 50 डिग्री सेल्सियस अबव द सराउंडिंग है मतलब ये पूरा आपको दिया है देयर एट द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस मतलब दोनों का जो ये टेम्परेचर का रेशियो क्या है सेम है सो आपका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोला एरिया इधर आ जाएगा और आपका टी फोर माइनस टी नॉट फोर यहाँ पे एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर ओके ओके एरिया क्या आपको स्पेयर बोला ना स्पेयर का एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर ओके सो ये जो क्यू बाय टी है ये क्या आपका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका स्मॉल आर स्क्वायर से सो आप यहाँ पे क्योंकि ये दोनों ये जो अबव द सराउंडिंग बोला ये दोनों के लिए क्या है सेम है तो कट जाएगा सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा ऐसा ठीक है सो आर वन बाय आर टू आप करोगे आर वन बाय आर टू का होल स्क्वायर सो यहाँ पे आप 6 बाय 12 क्या हो जाएगा आपका 1 बाय 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 1 बाय 4 हेंस करेक्ट आंसर विल बी बी थैंक यू सो एक क्वेश्चन में क्या दिया प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग वॉल्यूम वी इज 2E/3V देन द एनर्जी इज सो आपको प्रेशर क्या बोला है 2E/3V सो आपका ई क्या हो गया 3/2 PV ओके और आपने भी ये पढ़ा रहेगा पी क्या होता है 1/3 CRM² और फिर आपका ये डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है सो यहाँ पे जो आपका यदि मैंने यहाँ पे 2-2 एडजस्ट किया तो आपने डेरिवेशन इवेंट पढ़ा भी है सो यहाँ पे वॉल्यूम आगे ले लो ये आपका 1/2 NmCRMS ये क्या हो जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी तो इसको आपने उधर फेंका तो 3/2 PV और इतना पार्ट क्या आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस और यहाँ पे मास है और सी है सी क्या है आपका आपका मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है सो यहाँ पे 3/2 VV इज नथिंग बट आपका क्या है हाफ NmCRM है जो कि क्या काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हेंस करेक्ट आंसर इज ए ओके एंड आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कोई भी बच्चा एमएसटीसीटी के कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारा चैनल कोर्सेज लॉन्च कर रहा है ये हमारा स्टडी मटेरियल रिलेटेड कोर्स है ये हमारा मॉक टेस्ट रिलेटेड कोर्स है और इस कोर्स सी में जंबो कोर्स है जिसमें कोर्स एंड कोर्स भी आपको कम्प्लीटली फ्री हम दे रहे हैं अलॉन्ग विथ लाइव क्लासेस हर एक चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस होगा सो प्लीज रजिस्टर फॉर ऑल दिस कोर्सेज आपको कमेंट में लिंक दिया गया है और पूरे कोर्स का इंफॉर्मेशन का वीडियो लिंक भी दिया गया आप उसे देख सकते हैं थैंक यू फॉर दिस वीडियो सो ये क्वेश्चन में क्या दिया था डायमेंशंस ऑफ इमिसिव पावर आर सो इमिसिव पावर क्या होता है Q/80 यहाँ पे Q क्या होता है एनर्जी है एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल एरिया क्या है मीटर स्क्वायर और T क्या है टाइम सेकेंड ओके जूल क्या होता है आपका m1 l2 t-2 ये आपको पता रहेगा जूल मतलब आपका एनर्जी वर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर स्क्वायर क्या हो गया आपका लेंथ हो गया l2 हो गया सेकेंड क्या हो गया आपका टाइम t1 सो आप इसको भी हमें सॉल्व करेंगे m1 ये l2 गया l0 हो गया ये -2 है और ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 l0 t-3 हेंस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा सी ओके आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा ओके इफ आप में से कोई भी एमएसटीसीटी के कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारा चैनल लॉन्च कर रहा है कोर्स ए कोर्स बी कोर्स सी कोर्स एक कम्प्लीटली स्टडी मटेरियल रिलेटेड कोर्स है जिसमें हम लोग PYQs और आपको सारी PDF प्रोवाइड करेंगे ए मॉक टेस्ट रिलेटेड कोर्स है कोर्स भी कोर्स ही आपका जंबो कोर्स है जिसमें कोर्स एंड कोर्स भी हम आपको दे रहे हैं अलॉन्ग विथ लाइव क्लासेस फॉर ईच सब्जेक्ट एंड हर एक चैप्टर का लाइव क्लासेस होगा अलॉन्ग विथ डाउट सॉल्विंग PYQ सॉल्विंग ये कोर्स का कम्प्लीट इन्फो यदि आपको चाहिए तो कमेंट में वीडियो लिंक दी गई आप उसे देख सकते हैं एंड फॉर्म का लिंक दिया गया आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं थैंक यू फॉर दिस वीडियो
सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग एफ वाइब्रेशनल मोड्स द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स इज सीपी बाय सीवी, आपको ये पूछा हुआ है. ओके सो इसका आंसर क्या होगा, जो आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है उसमें जो वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं उसमें तीन ट्रांसलेशनल मोड होते हैं, इसलिए 1/2 kVT एंड तीन आपका रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है एंड आपका एफ वाइब्रेशनल मोड बोला, और हर एक वाइब्रेशनल मोड में काइनेटिक एनर्जी भी होता है प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, इसलिए 2 × 1/2 kVT. ये 1/2 kVT क्या होता है, हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का आपका एनर्जी होता है. सो ई का वैल्यू क्या आएगा अभी यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, सो ये 3 + 3/2 3/2 है, क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कैंसल, सो क्या आएगा आपका नेट 3 + f kVT. सो आपका सीवी क्या होता है, सीवी इज वॉट DE/DT, तो आप यहाँ पे इसको करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 + f kB, और आपको पता ही रहेगा सीपी इक्वल टू क्या रहता है आपका सीपी इक्वल टू CB + R. सो आप सीबी आपका जो सीबी आ गया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, केबीटी भी कैंसिल भी हो जाएगा. ओके सो सीपी आपका क्या आएगा 4 + f R, जब आप ये दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा सी, क्योंकि सीपी बाय सीवी है राइट. ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, टू गैसेस एग्जर्ट प्रेशर इन द रेशियो 3:2 ओके एंड डेंसिटीज इन द रेशियो 2:3. द रेशियो ऑफ देयर आरएमएस वेलोसिटी, सो आरएमएस वेलोसिटी जो आपका प्रेशर एंड डेंसिटी के टर्म्स में होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 3P/ρ. सो आप C1/C2 लिखोगे सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा P1/P2, और डेंसिटीज के तो आरएमएस वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या आ जाएगा √2/ρ1. सो आपका C1/C2 क्या हो जाएगा 3/2, और डेंसिटीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये √2/ρ1 है, तो √2/ρ1 से क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा आपका 9/4 ओके, जो कि आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2. सो आरएमएस वेलोसिटी का यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर बी. ओके सो आप में से कोई भी यदि एमएसटी सिटी का कोर्स लेना चाहेगा ऑनलाइन लाइव क्लासेस के साथ, सो कोर्स ही आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोर्स है, कोर्स भी आपका मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोर्स है, कोर्स ही आपका जंबो कोर्स है जिसमें हम कोर्स भी आपको फ्री में दे रहे हैं अलॉन्ग विथ लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस एंड आपका डाउट सॉल्विंग लेक्चर जिसमें MCQ एंड PYQs हम सॉल्व करवाएंगे आपको. ओके प्लस आपको मेंटरशिप एंड स्टडी प्लान रिलेटेड एंड एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज भी आपकी दूर करेंगे. सो ये सब की फॉर्म की डिस्क्रिप्शन फॉर्म की लिंक आपको कमेंट में दी गई, आप उसे ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं. थैंक यू. सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीजेस बाय 10%. सो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीजेस बाय 10% ऑफ ओरिजिनल. सो आपका ये क्या हो गया P1 - 1/10 P1, क्या हो गया आपका 9/10 P1. सो P2/P1 आपका कितना हो गया 9/10. P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो ये आपका ऐसे आ रहा है तो वॉल्यूम के टर्म्स P2/P1 है तो वॉल्यूम के टर्म्स में क्या आएगा V1/V2, जो कि क्या होगा आपका 9/10. कभी भी आपको परसेंटेज चेंज निकालने को बोला तो बेसिकली आपको क्या करना है, परसेंटेज चेंज होता है आप चाहिए तो मॉड ले लो, 1 - फाइनल चीज जो भी आपका फाइनल है डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100. ठीक है, अभी यहाँ पे आप पुट करोगे 10/9 तो कितना आएगा आपका परसेंटेज चेंज. सो 10/9 आप यहाँ पे करोगे ओके इंटू 100 तो आपका 9 - 10 आपको कितना आएगा 1/9, 100/9 आप 100/9 करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट कितना आएगा आंसर 11 में आएगा, जो कि करेक्ट आंसर क्या है डी. ओके सो आप लोगों में से कोई भी केमिस्ट्री सिटी का कोर्स लेना चाहता है तो हमारे कोर्स ले सकता है, कोर्स ए कंप्लीट स्टडी मटेरियल का कोर्स है, कोर्स बी हमारा मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोर्स है जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो ले सकता है, एंड कोर्स ही हमारा जंबो कोर्स है जिसमें हम कोर्स एंड कोर्स बी आपको फ्री में देंगे. ओके अलॉन्ग विथ आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगे जिसकी आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं मिस हो गया लेक्चर तो. ओके सो कमेंट में दिया गया लिंक, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं. थैंक यू. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइंड द वेवलेंथ एट विच अ ब्लैक बॉडी रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी विच टेम्परेचर इज गिवन. सो T = 427°C, पहले इसको आप कन्वर्ट कर लो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है आप उसमें 273 ऐड करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. सो ये आपका क्या हो गया 700
डिग्री केल्विन। सो आपका वेंस डिस्प्लेसमेंट लैम्डा मैक्स वी इक्वल टू आपका टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे वी इनवर्सली होता है। ओके सो आपका लैम्डा मैक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी बाय टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 2.898 × 10⁻³ डिवाइड बाय 700। सो आप इसमें से पॉइंट खींच लीजिए 28.98, ये आपका -4 डिवाइड बाय 7, ये दो जीरो है ऊपर 10⁻², इसको आप डिवाइड कर लो, कितना आएगा आपका 4 एक बार जाएगा, फिर 4.14 10⁻⁻, ये 2 है ऊपर जाएगा तो -6। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके सो हमारे एमएसटी सिटी के कोर्सेस आप रजिस्टर कर सकते हैं, ये हमारा कोर्स एक है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, जिसमें आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्स भी हमारा मॉक टेस्ट रिलेटेड कोर्स है, आप इसे ले सकते हैं, जिसमें 100 चैप्टर वाइज 10 फुल मॉक टेस्ट, एंड कोर्स ही हमारा लाइव क्लासेस कोर्सेस प्लस आपको कोर्स इन कोर्स भी हम फ्री में देंगे। इन सब को यदि आपको रजिस्टर करना है तो आपको कमेंट में लिंक दिया गया, आप उस पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्लोज इन अ कंटेनर इज ई, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज। सो आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 3/2 PV। सो आपको प्रेशर पूछा है तो कन्वर्ट कर ये जो डेटा यहाँ पे राइट साइड उसको लेफ्ट साइड ले जाओ, 2E/3 आपका वॉल्यूम भी। ओके आपको क्या बोला है, प्रेशर। ओके सो यहाँ पे बोला है कि प्रेशर, तो इसमें वॉल्यूम भी नहीं है, सॉरी वॉल्यूम भी नहीं है, तो आपका प्रेशर क्या हो गया, 2E/3, हेंस करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी। ओके बिकॉज एनर्जी क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम भी है, इसमें से वॉल्यूम भी डिवाइड हो गया। ओके सो आप लोगों में से कोई भी एमएसटी सिटी का कोर्स लेना चाहता है हमारा तो ले सकता है, कोर्स है हमारा स्टडी मटेरियल रिलेटेड कोर्स है। ओके जिसमें हम आपको सारे PYQs इंक्लूडिंग 2022 के PYQs भी प्रोवाइड करेंगे, 10,000 प्लस PYQs है, और हम आपको 100 प्लस चैप्टर वाइज एंड ग्रुप वाइज मॉक टेस्ट अलॉन्ग विद 10 फुल मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। हमारा टारगेट है 20 का, बट हम आपको श्योरिटी 10 का दे रहे हैं। प्लस कोर्स ही हमारा जंबो कोर्स है, जिसमें आपको कोर्स एंड कोर्स भी आपको कम्प्लीटली फ्री हम देंगे अलॉन्ग विद लाइव क्लासेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड चैप्टर वाइज। ओके आप उसके रिकॉर्डिंग्स भी बाद में देख सकते हैं, अलॉन्ग विद मेंटरशिप फॉर स्टडी प्लान एंड एडमिशन। ये सब की फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई है, अभी जाके रजिस्टर कीजिए। ओके थैंक यू फॉर दिस। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर टी इज। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 PV, आपका पीवी क्या होता है, एनआरटी होता है। ओके आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है इन टर्म्स ऑफ, यदि मॉलिक्यूल्स निकालना है गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है। सो पर मॉलिक्यूल बोला है तो ये एन जो है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको आप डिनोमीटर में लाइए, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 R/NaT, ये R/Na को हम लोग क्या बोलते हैं, केवी। सो 3/2 KVT, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी। ओके सो आप लोगों में से कोई भी बच्चा एमएसटी सिटी के कोर्सेस में इंटरेस्टेड है तो दे कैन गो एंड टेक अवर कोर्सेस। कोर्स है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोर्स है, कोर्स भी आपका मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोर्स है, जिसमें आपको सारे मॉक टेस्ट 100 प्लस चैप्टर वाइज एंड ग्रुप वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। कोर्स ही जो है आपका, जिसमें हम कोर्स है कोर्स भी आपको कम्प्लीटली फ्री देंगे। ओके अलॉन्ग विथ आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेस मिलेंगे, अलॉन्ग विथ आप उसकी रिकॉर्डिंग्स भी बाद में देख सकते हैं। ओके इसका कॉस्ट सिर्फ 999 है, इतने कम प्राइस में आपको कोई भी नहीं देगा। ओके आपको ये सारे कोर्सेज की और रजिस्ट्रेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में दी गई है, आज ही जाके रजिस्टर कीजिए, थैंक यू फॉर। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ए रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल इज। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, 3 ट्रांसलेशनल होता है। ओके 3 ट्रांसलेशनल बोला मतलब तो आइदर एक्स एक्सिस पे जा सकता है, वाई डायरेक्शन में जा सकता है और जेड डायरेक्शन में, और 2 क्या होता है आपका रोटेशनल। ओके डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा आपका, दो एक लीनियर मॉलिक्यूल रहेगा ये। ओके लीनियर है। ओके ऊपर से इसके पास क्या हो सकते हैं, आइदर ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ओके मतलब मीन्स आपका दो प्लेन में। ओके सो इसलिए यहाँ पे 2 डिग्रीज, 3 + 2 कितना हो गया, 5। सो टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके सो आप में से कोई भी बच्चा यदि इंटरेस्टेड है एमएसटी सिटी का कोर्स लेने के लिए तो हमारा कोर्स ले सकता है। सो कोर्स इज रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे 10,000 प्लस PYQs इंक्लूडिंग 2022 के PYQs,
20 फुल मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की, कॉस्ट है 300। मॉक टेस्ट लेना है जिसको आपको चैप्टर वाइज, ग्रुप वाइज प्लस फुल मॉक टेस्ट आपको 350 में। कोर्स ही हमारा जंबो कोर्स है जिसमें हम कोर्स एंड कोर्स भी आपको कम्प्लीटली फ्री दे रहे हैं, अलॉन्ग विथ आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज लाइव क्लासेस मिलेगा अलॉन्ग विथ रिकॉर्डिंग्स प्लस स्टडी प्लान एंड एडमिशन। आपको कॉस्ट है 999। ये कॉस्ट हमारा 100 स्टूडेंट्स के लिए है, इसलिए जल्द से जल्द जाके डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में जो भी लिंक दी गई रजिस्ट्रेशन की उस पर रजिस्टर कीजिए एंड अपनी सीट बुक कीजिए। थैंक यू। सो क्वेश्चन में क्या दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज। सो वाटर के पास क्या होते हैं, 3 एटम्स है। ओके, वाटर हैज 3 एटम्स। सो अभी यहाँ पे क्या होता है कि हर एक एटम्स, ओके, यदि उसका वाइब्रेशन रहेगा तो वो आपका आइदर एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। एक एटम की मैं बात कर रहा हूँ, तो बाय इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी हर एक एटम का जो एनर्जी कितना हो गया आपका 3/2 kBT। और यहाँ पे कैसे कि आपका वाइब्रेशनल मोड मतलब काइनेटिक भी हो सकता है, पोटेंशियल भी हो सकता है। सो इंटू 2 बेसिकली क्या आ गया आपका 3 kBT। ये एक एटम की बात की, ऐसे 3 एटम्स है तो ऑब्वियसली वाटर के एक मॉलिक्यूल के पास कितना हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो गया 9 kBT। ओके, पूरे एनर्जी का पूरे मतलब यदि 1 मोल ऑफ वाटर रहेगा तो एनए के लिए, सो आपका क्या हो जाएगा 9 एनए kBT। दिस एनए kBT क्या होता है आपका 9 RT, ये आपका 1 मोल ऑफ वाटर। सो आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया वो क्या हो गया, dE/dt। आप जब dE/dt डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा आपको 9 R। हेंस करेक्ट आंसर इज सी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ओके, प्लीज रजिस्टर फॉर अवर MSTCT कोर्सेस, लिंक गिवेन इन द कमेंट। ओके, कोर्स सी, ओके, जिसमें आपको लाइव क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे अलॉन्ग विद कोर्स एंड कोर्स भी फ्री। प्लीज रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल, लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू। से क्वेश्चन में क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 151.91 जूल एट द प्रेशर ऑफ 1 एटमोस्फेयर, देन इट्स वॉल्यूम इज। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 3/2 PV होता है। आपको एनर्जी दिया है, प्रेशर पूछा है, और आपको प्रेशर आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछा है। सो वॉल्यूम क्या होगा, 2E/3 आपका ये P। ओके, सो ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है आप यहाँ पे, मैं कर ही देता हूँ, 151.9 हो गया। आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका वैल्यू आपको पता रहेगा कितना होता है, 1.01325 10^5। ओके, सो ये 2 है, 3 है, ये 2 नीचे आएगा, 3/2 क्या हो जाएगा 1.5। ओके, मैं डायरेक्ट ये 2 को नीचे लिया, 1.5, इसको तो आप 1 ही ले लो, 10^5। सो आपका अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, यहाँ पे 151 है, 1.5 है, आपका अप्रोक्सीमेट यदि आप कट करोगे तो इसका आंसर आएगा ऊपर 100, नीचे का 10^5 ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा आपका 10^-3 m³। ओके, 10^-3 m³ मतलब कितना होता है आपका, 1 dm, बिकॉज 1 dm इज आपका कितना होता है, -1 m। सो ये हो गया आपका 1 dm³, और 1 dm को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 L। हेंस करेक्ट आंसर इज सी। ओके, यदि आप लोग में कोई भी बच्चा MSTCT के कोर्स में इंटरेस्टेड है तो हमारे कोर्स ले सकते हैं, जिसकी लिंक हमने कमेंट में देके रखी है रजिस्ट्रेशन की, आप रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ गैस। सो आपका जो RMS स्पीड होता है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेंपरेचर क्या होता है, 3 RT/m, वेयर m इज द मॉलिक्यूलर मास, r इज द गैस कांस्टेंट, t इज द एब्सोल्यूट टेंपरेचर। सो इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चलता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेंपरेचर। हेंस करेक्ट आंसर इज ए। ओके, सो आप लोगों में से भी कोई भी MSTCT के कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारे कोर्स ए ले सकता है। कोर्स ए हम आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोर्स है, जिसमें हम आपको 10,000+ PYQs, PCM, PCB, PDF अलॉन्ग विथ 2022 की PYQs के PDF प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विथ 24 मॉक टेस्ट के भी PDF। ओके, कोर्स भी हमारा मॉक टेस्ट से रिलेटेड, जिसमें हम आपको 100+ चैप्टर वाइज एंड ग्रुप वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विथ 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें आपको हम ट्राई करेंगे 20 फुल मॉक टेस्ट का भी, बट अभी श्योरिटी हम आपको देन कर देंगे। कोर्स सी क्या है, जो जंबो कोर्स है, जिसमें आपको कोर्स एंड कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा अलॉन्ग विथ आपको डेली लाइव क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ओके ओके, और आप इसकी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं एंड आपको मेंटरशिप, स्टडी प्लान एंड एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज भी आपकी दूर की जाएगी। 999 कोर्स है, बहुत ही सस्ता कोर्स है, आप इसे ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक्चुअल प्राइस है इसका 3000, बट हम इसे आप फर्स्ट टाइम ऐप लॉन्च कर रहे हैं इसलिए आपको इतने सस्ते में दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको कमेंट
एंड डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं। एंड एक वीडियो की लिंक भी दी गई जिसमें आप ये सारे कोर्सेज की डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज। सो आपका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ओके, आइडियल गैस में आपने पढ़ा रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस 3/2 PB। पीबी क्या होता है आपका, एनआरटी। आप जब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 3/2 nRT, ओके, सो आपका काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हैं, एन तो आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर इज अ गैस कॉन्स्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हेंस करेक्ट आंसर इज ए। ओके, सो आप में से कोई भी बच्चा हमारा एमएसटी सिटी के कोर्स के लिए इंटरेस्टेड रहेगा तो मैं आपको कोर्स की इन्फॉर्मेशन। सो हमारा चैनल 3 कोर्सेस लॉन्च कर रहा है, कोर्स ए, कोर्स बी, कोर्स सी। कोर्स ए आपका स्टडी मटेरियल रिलेटेड कोर्स है जिसमें आपको हम 10,000 प्लस PYQs के PDF अलॉन्ग विद 20 फुल मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन और PYQs के सॉल्यूशन के साथ इंक्लूडिंग 2022 के PYQs के क्वेश्चंस के PDF आपको प्रोवाइड करेंगे। कोर्स भी हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट रिलेटेड है जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज ग्रुप वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद 10th फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कोर्स ही हमारा जंबो कोर्स है जिसमें हम आपको कोर्स इन कोर्स भी कम्प्लीटली फ्री देंगे अलॉन्ग विथ लाइव क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट है चैप्टर वाइज, ओके, प्लस आपको मेंटरशिप गाइडेंस एंड स्टडी प्लान। ये सारे कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन की फॉर्म की लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आज ही जाके रजिस्टर कीजिए क्योंकि ये जो ऑफर्स है हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है, ओके, इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस।